वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं वेवलेंथ बाय न्यूटन्स रिंग्स। ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे हम वर्चुअल लैब के थ्रू। हम जैसे ही इस वर्चुअल लैब के लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाली विंडो ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पे हमारा ये जो सेटअप रखा है, ये पूरा जैसे ऑफलाइन लैब में रखा होता है हमारा सेटअप, बिल्कुल उसी की तरह है। ये हमारा ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है, यहाँ पे हमारी रिंग्स बनती हुई नजर आएंगी। ये माइक्रोस्कोप के स्क्रू हैं, ये हमारा मेन स्केल है और ये हमारा वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में हम देख सकते हैं कि टोटल जो डिविजन्स हैं वो हैं 0 से 50 तक, और मेन स्केल में अगर हम काउंट करें तो एक स्मॉल डिविजन की वैल्यू है 0.05, क्योंकि 3 से 4 के बीच में जो डिवीजन का डिफरेंस है वो सिर्फ 1 का है, और लेकिन डिवीजन जो है वो 20 हैं, तो इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो गई डिवीजन की, 1/20। तो एक स्मॉल डिवीजन की वैल्यू जो है वो है हमारी 1/20 यानी 0.05 सेंटीमीटर मेन स्केल के लिए। अब हम यहाँ पे रीडिंग्स किस तरह से नोट करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे वेरिएबल्स अपने चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं ये सिलेक्ट मीडियम दे रखा है, तो हम यहाँ पे ऑब्वियसली एयर ही चूज करेंगे। अदरवाइज हम इसके अलावा भी ये वाटर, एसीटोन या एसोप्रोपाइल और केरोसिन भी चूज कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम जैसे लैब में एयर चूज करते हैं, तो हम यहाँ पे भी एयर चूज करेंगे एज ए मीडिया। लाइट सोर्स ऑब्वियसली हम यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट चूज करेंगे। इसके अलावा और भी लाइट दे रखी है, लेकिन हम जैसे हम लैब में यूज़ करते हैं वैसे हम यहाँ पे भी सोडियम लाइट ही यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे फिर जो वेवलेंथ फाइंड करेंगे वो सोडियम लाइट की ही वेवलेंथ होगी, जो कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम लाइट ऑन कर देंगे। लाइट ऑन पे क्लिक करते ही तो ये जो रिंग्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं आप देख सकते हैं, ये इंटरफेरेंस के थ्रू नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, जिसके कारण हमें ये रिंग्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। फर्दर हम यहाँ पे देखेंगे हमें रेडियस ऑफ लेंस यूज करनी है। होता क्या है कि नीचे प्लैनो कन्वेक्स लेंस दे रखा होता है, उस प्लैनो कन्वेक्स लेंस से ही हमें उसके सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर देखना होता है। तो हम जो लैब में यूज करते हैं वो रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 सेंटीमीटर का यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी हम रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 100 सेंटीमीटर रख लेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस जो है वो जितनी ज़्यादा होगी रिंग्स के बीच में, आप देख सकते हैं कि गैप उतना ही ज़्यादा होगा। तो इससे क्या होगा, हमारी रीडिंग जो है वो उतनी ज़्यादा एक्यूरेट आएंगी। जब हमारा 50 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनो कन्वेक्स लेंस थी तब ये रिंग्स ज़्यादा पास पास थे, जबकि जब हमने रेडियस ऑफ लेंस जो है 100 सेंटीमीटर रखी, हमारी जो ये रिंग्स है वो सेपरेटेड दूर दूर नजर आ रही है, तो हमें मैक्सिमम रेडियस ही रखनी होती। अब यहाँ पे माइक्रोस्कोप फोकस जो है वो सेट कर लेंगे 3rd नंबर पे जो है। ये हम अगर कम करेंगे तो भी आउट ऑफ फोकस चला जाएगा, ज़्यादा करते हैं तो भी आउट ऑफ फोकस चला जाता है, तो हम ये माइक्रोस्कोप फोकस जो है वो सेंटर पे यानी 7.5 सेंटीमीटर के गैप पे रखना होता है। इसमें हमारा ये क्लियरली हमें रिंग्स जो है नज़र आ रहे हैं। अब हमें यहाँ पे ये माइक्रोस्कोप पोजीशन चूज करनी होती है। तो अभी सेंटर पे है तो ऑब्वियसली हमारा जो ये सेंटर जो स्पॉट है वो बिल्कुल डार्क नज़र आ रहा है, और थ्योरेटिकली भी हमें ये डार्क ही नज़र आना चाहिए, क्योंकि जो पाथ डिफरेंस होता है वो दोनों रेज के बीच में, यानी जो एक रेज जो प्लैनो कन्वेक्स लेंस के सेंटर से रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है वो, और दूसरा जो है प्लेन ग्लास प्लेट के अपर सरफेस से जो रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है, उन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस के कारण जो फेज डिफरेंस क्रिएट होता है वो 180 डिग्री का होता है, जिसके कारण जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। सेंटर स्पॉट हमेशा डार्क होना चाहिए। बाई चांस अगर लैब में किसी तरह से अगर वो सेंटर स्पॉट डार्क ना होने की बजाय ब्राइट नज़र आता था, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कोई डस्ट पार्टिकल आ गया है, जिसको हमें प्लेट्स हटा के फिर रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि तो थियोरेटिकली हमें सेंटर डार्क स्पॉट चाहिए होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप जो है इसकी पोजिशन धीरे धीरे चेंज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले सेंटर के लेफ्ट साइड में ले जाते हैं 20th रिंग तक। आप देखेंगे जब हमारे सेंटर पे रखा हुआ था ये, तो हमें एक वर्टिकल क्रॉस वायर ये नज़र आती है, ये वर्टिकल क्रॉस वायर, ये हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर। तो हमें जो वर्टिकल क्रॉस वायर है ये लेफ्ट साइड में 20th रिंग पे टेंजेंशियली रखनी होती है। तो हम धीरे धीरे माइक्रोस्कोप पोजिशन को जब चेंज करते हैं, तो हम यह 20th रिंग पे सबसे पहले इसको काउंट करने के बाद यहाँ पे वर्टिकल क्रॉस वायर को टेंजेंशियली रख देते हैं, और तब हम यहाँ पे
मेन स्केल की और वन ईयर स्केल की रीडिंग नोट करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको ये बताऊं कि इस टाइम जो मेन स्केल की रीडिंग है वो है 2.05, 2.1, 2.15। 2.15 जो है वो हमारी मेन स्केल की रीडिंग है यहाँ पे, क्योंकि मेन स्केल की रीडिंग वो होती है जहाँ पे वन ईयर का जीरो कॉन्साइड कर रहा हो, तो वन ईयर का जीरो यहाँ पे कॉन्साइड कर रहा है और उससे पहले कितनी रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है, 2.15। सिमिलरली फिर हमें वन ईयर स्केल की रीडिंग नोट करनी होगी, वो 0 से 50 के बीच में हमें देखना होगा कि कौन सा एक डिवीजन है जो फुल्ली कॉन्साइड कर रहा है नीचे वाले डिवीजन के साथ। थोड़ा स्लाइडली हमें देखना होगा कि कौन सा डिवीजन है, तो ये 15 से भी पहले ये वाला जो है 13th कर रहा है। 10 यहाँ पे कंप्लीट हो गए, 11, 12 और 13। पहले मुझे लग रहा था कि 15th डिवीज़न कर रहा है, लेकिन अब और ज़्यादा एक्यूरेट देखने पे 13th जो डिवीज़न है वो फुली कॉन्सर्ट कर रहा है नीचे वाले डिवीजन्स के साथ। तो जो हमारी वन ईयर स्केल रीडिंग होगी वो 13th होगी। कभी अगर ऐसा लगे कि 13 और 15 अगर दोनों में ऐसा लगे कि दोनों रीडिंग्स कॉन्सर्ट कर रही है नीचे वाले डिवीजन के साथ फुली, तो जो लीस्ट वैल्यू होती है वन ईयर स्केल पे हम उसको काउंट करते हैं। तो इस केस में 13 और 15 दोनों मेरे को लग रही थी, तो मैं 13 जो रीडिंग है उसको काउंट करूंगा। तो हमारी मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे है 2.15 और वन ईयर स्केल रीडिंग है 13। तो ये हम नोटबुक में नोट कर लेंगे। उसके बाद हम दो दो रिंग्स का गैप देंगे, अगेन हम माइक्रोस्कोप की पोजिशन चेंज करेंगे और दो रिंग्स का गैप देंगे, यानी पहले 20th रिंग पर रखी हुई थी वर्टिकल क्रॉस वायर, तो अब उसको 18th रिंग पर रखेंगे। सिमिलरली फिर हम मेन स्केल और वन ईयर स्केल रीडिंग नोट करेंगे, 18th रिंग के बाद हम फिर उसको 16th रिंग पे रखेंगे, फिर मेन स्केल की रीडिंग और वन ईयर स्केल की रीडिंग नोट करेंगे। इस तरह से हम दो दो रिंग से गैप के रीडिंग्स लेते चले जाएंगे, कब तक, जब तक हमारी सेकेंड रिंग ना आ जाए। लेफ्ट साइड में हम सेकेंड रिंग पे इस तरह से रीडिंग नोट करेंगे, तो हमारे पास ये 10 रीडिंग्स आ जाएंगी लेफ्ट साइड की रिंग्स के लिए। फिर हम क्या करेंगे कि राइट साइड में जाएंगे सेंट्रल डार्क स्पॉट के, और यहाँ से हम फिर सेकेंड रिंग से स्टार्ट करेंगे। ये सेकेंड रिंग से, सेकेंड रिंग की हम रीडिंग नोट करेंगे, वही मेन स्केल और वन ईयर स्केल, फिर फोर्थ रिंग की, फिर सिक्स रिंग की, फिर एट्थ रिंग की। इस तरह से हम दो दो रिंग से गैप देते हुए राइट साइड में 20th रिंग पे चले जाएंगे। तो हमने क्या करा, इस तरह से लेफ्ट साइड की 10 रिंग की रीडिंग नोट कर ली, सिमिलरली हम राइट साइड की हमने 10 रिंग्स की रीडिंग नोट कर ली। अब हम टोटल रीडिंग लेंगे इन सब की। टोटल रीडिंग का फॉर्मूला होता है टी आर इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वन ईयर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट जो है वो हमारे क्या कहलाती है कि कोई भी इक्विपमेंट जो होता है उसकी जो लिस्ट वैल्यू हम उससे जो कैलकुलेट कर सकते हैं उसको लिस्ट काउंट कहते हैं। और लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन इन मेन स्केल अपॉन टोटल डिवीजन इन वन ईयर स्केल। तो हमारे इस केस में वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल में जो है वो है 0.05 सेंटीमीटर, और जो हमारी टोटल डिवीजन है वन ईयर स्केल में वो है 50। तो हमारे जो लिस्ट काउंट की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 0.05 डिवाइडेड बाई 50। ये हमारी लिस्ट काउंट है सेंटीमीटर। तो जब हम लेफ्ट साइड की 10 रिंग्स की रीडिंग और राइट साइड की 10 रिंग्स की रीडिंग नोट कर लेंगे, उनकी टोटल रीडिंग काउंट कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद उसको रेस्पेक्टिवली उसको सबट्रैक्ट करेंगे। यानी लेफ्ट साइड में जो 20th रिंग की रीडिंग आई थी टोटल रीडिंग, उसको हम सबट्रैक्ट करेंगे राइट साइड की 20th जो टोटल रीडिंग आई थी उससे। तो इससे क्या होगा, हमारे पास डायमीटर आ जाएगा 20th रिंग का। सिमिलरली फिर हम 18th रिंग का डायमीटर निकालेंगे, 18th रिंग की रीडिंग को सबट्रैक्ट, लेफ्ट साइड की रीडिंग को सबट्रैक्ट करेंगे राइट साइड की रीडिंग से। सिमिलरली फिर हम लेफ्ट साइड की जो 16th रिंग की टोटल रीडिंग आई है उसको सबट्रैक्ट करेंगे राइट साइड की 16th रिंग की टोटल रीडिंग से। तो इस तरह से हमारे पास डायमीटर कंटिन्यूसली आता चला जाएगा, 20th रिंग का, 18th रिंग का, 16th रिंग का, 14th रिंग का, और सिमिलरली इस तरह से सेकेंड रिंग तक। अब ऑब्वियसली जो 20th रिंग का डायमीटर होगा वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, 16th रिंग का डायमीटर उससे कम होना चाहिए, 14th रिंग का डायमीटर उससे भी कम, और सबसे कम डायमीटर होना चाहिए सेकेंड रिंग का। तो इस तरह से जो हमारे डायमीटर्स आएंगे हम उनसे चेक भी कर सकते हैं कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो सही आ रही है या नहीं आ रही। जब हम डायमीटर्स निकाल लेंगे सभी रिंग्स का, उसके बाद हमें जो है वेवलेंथ फाइंड करनी होती है। वेवलेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला जो है वो है लैम्डा इज इक्वल टू डी एन प्लस पी का होल स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर अपॉन 4 PR। पी जो है यहाँ पे एक न्यूमरल इंटीजर है जिसकी वैल्यू हम कुछ भी चूज कर सकते हैं, 2 से लेकर 8, 9, 10, जो भी है जितने हम भी हमारा इंटीजर है अपनी मर्जी से कोई भी चूज कर सकते हैं। और आर जो है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लाइन ऑफ कन्वेक्स लेंस है वो हमने यहाँ पे 100 सेंटीमीटर रखा है, तो फॉर्मूले में हम इसको रखेंगे।
तो लैम्डा जब हम इस तरह से फाइंड करेंगे, डी एन प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर अपॉन 4 PR, तो उससे हमारी वेवलेंथ काउंट होगी आ जाएगी सेंटीमीटर। तो वो जो हमारी वेवलेंथ सेंटीमीटर आई में आई है, उसको हम एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेंगे और देखेंगे कि हमारा वैल्यू जो है कितनी आ रही है। उसको फिर हम स्टैंडर्ड डिटेल से देखेंगे, जो कि होती है 5.93 एंगस्ट्रॉम, और वहाँ से हम परसेंटेज एरर निकाल लेंगे। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड वैल्यू, इनका हम मॉड लेंगे इंटू 100। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जब लैम्डा हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है कितने का अराउंड आनी चाहिए, वो यहाँ पे शो रिजल्ट में आ जाएगा, ये इसके अराउंड यानी 5.890 एंगस्ट्रॉम के अराउंड हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू यानी ऑब्जर्व वैल्यू आनी चाहिए। इस तरह से हम ये पूरा न्यूटन रिंग का एक्सपेरिमेंट जो है वर्चुअल लैब के थ्रू परफॉर्म करते हैं। थैंक यू।